हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हमारे दुकान में आए हैं ग्राहक। सुबह सुबह देख सकते हैं ग्राहकों का खोपड़ा कैसा हो रहा है। अब तो थोड़ा ठीक है, पहले से ट्यूब वगैरह लगा के लाई है, सूजन आ गई थी ना, आज तक थोड़ा सही लग रहा है, पर फिर भी सूजन है शायद, थोड़ा हल्का सा। हल्का हल्का सूजन है। तो अभी मुझे भी जाना शॉप अप बढ़ा के घर, क्योंकि आज हमारे अभी गेस्ट वगैरह आ रहे हैं। नानी आ चुकी है हमारे घर और रामू जी भी आ चुके हैं। हाँ, और हम कर रहे हैं सोनाली और संतोष भैया का वेट, अभी दोनों को दोनों आने वाले हैं। और अभी तक और गाइस, आज होने वाला है कबड्डी का चैलेंज। भाभी और सोनाली एक टीम में, मैं शिवम और जीजा जी एक टीम में। तो यहाँ पे सोनाली और भैया आते हुए, मतलब सोनाली के हस्बैंड जमाई जी हमारे, और ये देखो इसके हाल, कितने सारे शुगर फ्री लेके आई है, बॉटल्स वगैरह, और राम जी के हाथ में थमा दिया, राम जी लेके गए अंदर, और इतनी सारी मिठाई वगैरह गिफ्ट्स वगैरह लेके आई थी, और देख सकते हैं कैसी लग रही है, और अपना पेट छुपा रही है ताकि मेरी वीडियो में ना हो करके। तो यहाँ पर देख सकते हैं मोटे होने के लिए, जिसको मोटा होना है वो सोनाली से सीखे। देख सकते हैं कैसी चॉकलेट खाई जा रही है, और कह रही है लो आप भी खा लो, देखना है इसको कैसे खिलाएगी अभी, और मम्मी लोग भी देख के मजे ले रहे हैं सबके साथ, इसको पता ही नहीं है, वीडियोस वगैरह भी बन रही है करके। और यहाँ पर चल रहा है कैरम राम और उनका, और यहाँ पर चल रही है महिला संगीत हम सबकी बैठ के। तो महिलाएं जब चार महिलाएं इकट्ठा हो जाती है तो वहाँ पर महिला संगीत तो चली जाता है, तो चुगलियाँ वगैरह करना और भी बहुत सारी बातें हो ही जाती है फिर औरतों के बीच में, वही सब चल रहा था यहाँ पर। को गप अप मारे थे नानी, बड़े खुश होकर बता रही हैं बहुत सारी बातें अपनी। हाँ मैं जाने को तैयार, वही तो करना है, अब नानी के साथ मम्मी तो रहेगी घर। अरे टीवी देखती कहाँ है, फोन देखते हो, सभी हल्द्वानी की न्यूज, और जहाँ जाएगी न्यूज आएगी ना उसके खदोल खदोल के, परसों वाला केस नहीं हुआ था वो कोलकाता वाला, उसका लास्ट में ये भी देख रही थी कि हुआ क्या उसका, जिसने करा था परसों बैठे। तो हमारी महिला संगीत में एक और बढ़ गई है, ये है हमारी जेठानी, तो यहाँ पर वो भी आ गई है गप मारते हुए, देख सकते हैं सबसे प्रणाम प्रणाम चल रहा है। और ताई भी आ चुकी है, ताई जो यहाँ पर लेटी है वो मेरी मम्मी की दीदी हैं। तो यहाँ पर को देख सकते हो गोलू महाराज आ गए, और आते ही सोनाली से इनका हो गया पंगा भयंकर का, मतलब प्यार से पंगा करते रहते हैं बचपन से, ऐसी है साथ में। तो अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी इन दोनों की लड़ाई, वो भी बहुत भयंकर वाली, देख सकते कैसे लड़ने में लगे हैं ये लोग। तो गाइस देख सकते हैं, देखो कैसे लड़ ले। मर जाए। सभी सुनाई लोग आने लग गए हैं मिलने के लिए थोड़ी देर। क्या हो गया? क्या हो गया मम्मी? ताई चाय। ताऊ कहाँ है? ताऊ। ताऊ है? मन थोड़ी बहली जा, ज्यादा फर्क नहीं आ रही हो, जो आती नहीं है जैसे मैं। ठीक है भाभी बैठा, ठीक है नानी, ख्याल रखना, पैर देख रहा हूं। बाय बाय, आज के लिए आ रहा हूं, बाय। वो तो पहले ला रही थी, यही मना कर रही थी। तो आज तो पता नहीं हमारे घर में क्या ही हो रहा था, कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है, कोई जा रहा है तो कोई आ रहा है। तो अब आ गए हैं हमारे मौसा जी, देख सकते हैं कैसे स्टाइल मारते वाले बाइक में अपनी, और देख सकते हैं रामू जी के हाल, पूरे पसीने से तर तक खेल खुल के आ रहे, पता ही नहीं चला हमें कब गायब हो जाते हैं घर से, और देखो हाय हाय करने में लगे हैं। सभी हम दोनों जाने लगे हैं वॉक करने के लिए, और यहाँ ना बहुत मतलब नीचे का है, हम ना अपने गांव में नीचे को, तो यहाँ रोड के किनारे किनारे एक साइड में ना पूरे करेले के झील, अमरूद के पेड़, लंबा होता है पेड़, हमने ऐसी कटिंग कर दी शायद, वही है जो हमारे गोल पेड़। हाँ वही तो है, वही है ना। मम्मी फूल तोड़ के लाइए, लाओ दो ऐसी उसका दिखा, फूल दो पारिजात का, वो है नहीं देखा। मजोटी का पेड़, इससे मेहंदी वगैरह बनती है। सो गाइस, मम्मी ऐसी गप मारते मारते आते हैं पूरे रास्ते में, और यहाँ देख सकते हैं सारे सोयाबीन के खेत दिखेंगे आजकल, सोयाबीन या फिर भुट्टा, तो
जो तीन फसल लगाता है वो भुट्टा लगाता है, जो एक ही फसल लगाता है, दो फसल लगाता है साल में वो लगाता है। हम चले गए थे यहाँ मक्का लेने के लिए और मैंने देखी वहाँ बहुत प्यारी प्यारी सी मुर्गी, देख सकते हो कितने बच्चे कितने क्यूट लग रहे हैं वो। और यहाँ पर मैंने देखा सनफ्लावर, देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं फ्लावर और मुर्गी और नीचे को। तो अगर आप लोग को हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई चीजों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।